सब्सक्राइब कीजिए यूपी ताजा न्यूज चैनल को और घंटी को दबा दीजिए ताकि सबसे पहले आप तक खबरें पहुंच जाएं। बिजनौर के त्योहारा इलाके के गल्ला खेड़ी में उस समय अफरा तफरी का माहौल पैदा हो गया जब दिन दहाड़े बाइक पर सवार दो युवकों ने गोली मारकर फरार हो गए। मामला आपसी रंजिश का बताया जा रहा है। गोली लगने से युवक गंभीर रूप से घायल हो गया जिसे स्थानीय CHC ले जाया गया, लेकिन गंभीर हालत को देखते हुए घायल को हायर सेंटर रेफर कर दिया गया जहां उनकी हालत नाजुक बनी हुई है। दरअसल सिहारा इलाके के ग्राम बिशनपुरा का रहने वाला शिव कुमार शर्मा सुबह लगभग 8 बजे साइकिल से गेहूं का कट्टा रखकर पास के ही कल्ला खेड़ी ग्राम में गेहूं पिसवाने जा रहा था, तभी पीछे से आ रहे दो बाइक सवार युवकों ने शिव कुमार को गोली मार दी और वहां से फरार हो गए। शिव कुमार के भाई कैलाश चंद्र शर्मा की तहरीर पर पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। कैसा हुआ है? कहाँ हमारे एक कस्बे में लाया गया 108 पारा है। शिव कुमार शर्मा सन ऑफ काशीराम बिशनपुरा के रहने वाले हैं। उसको हमने प्राथमिक रिपोर्ट करने के बाद डिस्टोर बिजनों को रेफर किया, हालत अच्छी तरह से डिस्टोर बिजनों को रेफर किया। क्या बता दिया किसी को पता? अच्छा अच्छा पहले हुए जा रहा है तो देखो जब अपनी औरत को कौन पिटवाएगा तो ये भी बोल भैया। अच्छा अच्छा क्या चोट लगी, कैसे लगी, क्या हो लगा इनके, क्या हुआ? कुछ भी ना भैया, ये जा रहे थे आटा दूसरे गाँव में पिसवाना है, हम गल्ला खेड़ी में गाँव में पिसवाते ना, तो इनकी पैंट थी उसमें हुक लगवा ली गई और लौंडे की पैंट थी मेरी लड़की की। और वैसे ये वो इनकी घर से जो निकला ये अरे साथ निकले, और ऐसा पता होता तो हम नहीं। क्या हुआ, क्या करा इनके साथ? इनके साथ पीछे से गोली मार दी उसने। किसने मारी? परिवार का लड़का ही है। क्या नाम है उसका? मानू। सही है मानू, हम तो मानू यहाँ लगी है। शर्मा जी क्या मामला पूरा? आपसी रंजिश थी। ये कौन है लड़का जिसकी गोली है? लड़का कौन है जिसकी गोली लगी? मेरा भाई है। क्या नाम है? शिव कुमार शर्मा। अच्छा, किस विवाद के चलते हुई? क्या विवाद था? आपसी विवाद ही लड़ाई थोड़ा। मारने वाला कौन है गोली? मारने वाला मनु दास शर्मा। कहाँ का मामला है पूरा? गल्ला खेड़ी से जो फ्रांजा गया आप कहाँ का रहने वाले हो? आप क्या कर रहे हैं आप लोग? नहीं क्या बताया डॉक्टरों के ले गए थे आप, कहाँ ले जा रहे हैं? रेफर कर दिया, तहरीर दे दी आपने थाने में? दे रहे हैं।